यहाँ लेके हो गए रेडी। अब मंदिर वहाँ पर है, जाएंगे। लेकिन इतना गर्मी है, देखो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पसीने निकल जा रहे, डेंजर पसीने। आज तो दबा के नींबू पानी, पानी जो भी लिक्विड्स मिले वो पीते रहना पड़ता, नहीं तो अपन ढीले गिर जाते। जाएंगे दर्शन कर लेंगे, ना हवा रख रहे तो मज़ा आ रहा। तो चलो भैया जी, बस चढ़ के जा रहे ऊपर, दर्शन करने अपन। एक मंदिर को लेके आता है, टाइम तो आया, मैं तो भरे जब तक रुकना पड़ता था अपने, तो ये भर के आप डायरेक्ट जाएंगे भाई। खाली पीली बस में सोच रहे, वो बस में इतने लोगों को भरा कि हद से आप भर दिया, वो बस हिल रहा भी नहीं और डेंजर पथरी निकल गया। ठीक है, चढ़े बोल के चढ़ गए, 10 रुपये टिकट है, उससे अच्छा पैदल आ जाओ बस से। तो चलो दर्शन कर लेंगे, एक को पूछे ज़्यादा लोग नहीं है, कहते जल्दी हो जाएगा दर्शन, दर्शन कर लेके आएंगे। आठ सो डाल था, उतरो अंदर भाई, यहाँ से व्यू क्रेजी है। अपन पहले दर्शन करके आके आपको पूरा बताएंगे यहाँ पे। आज फ्राइडे है तो पब्लिक देखो भाई, चंदुलों का लास्ट टाइम वीकडेज में मंडे में ट्यूजडे में आए, खाली था, लेकिन आज फ्राइडे है, माता जी का दिन है तो फुल लाइन है। बहुत मस्त दर्शन हो, बैठे सामने मंदिर के सामने, पीछे पूरे पहाड़ी थे भाई, जंगल है पूरा मस्त है। ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन वो माता जी का नोज पिन रहता वहाँ तक पानी आ गया बोलते, अपना देश पूरा खत्म हो जाता बोल के बोलते, मानते ना। किराक व्यू है ऊपर से, दर्शन हो गया और वापस आ गए नीचे। यहाँ पर अन्नदान भी कर रहे, लेकिन अन्नदान के लिए बहुत बड़ा लाइन है, तो उतना वेट करने जितना टाइम, अपने को दूसरे जगह भी जाना है तो आगे नीचे कहाँ पर तो भी खा लेंगे। मील्स नुकसान होगा, मील्स मिल जाएगा देखिए राख आंध्र प्रदेश में। और पसीने तो इतने डेंजर है, तो क्या पर अपना तेलंगाना को तो भी दुख सह सकते हैं, कि न्यांग का बहुत डेंजर है। चंदू गया लड्डू लाने के लिए, उन्हें लड्डू ला लेता। और गो बाई वॉक ब्रो, क्यों बोले तो बस भरी जब तक रुक रहे, और वो बस भी कितना भर रहे बोले तो लोग चुपक कर उल्टा और पसीने निकल रहे, तो उससे अच्छा अपन पैदल भी जाओ वही पसीना निकल रहा, बस में भी जाओ वही पसीना निकल रहा, तो पैदल ही जाएंगे। और ये व्यू तो देख लो, क्रेजी है भाई। पैदल चलते हुए नीचे आ गए, ये देख लो पसीना नहीं है भाई, वो पसीना निकल के आंखों में, आज आके आंखा चल रहे थे, मुँह पे पानी मार लियो। यहाँ पर सामने ही बस 5 किलोमीटर में उंडवली केव्स बोल के रहता, पानी ले लिया, पानी पी लिए। बहुत डेंजर गर्मी है यहाँ पर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। गाड़ी जहाँ लगाए वहाँ आगे देखो, वो धूल लग गया पड़ो, रे रे रे, इतना धूल लग गया कि अपने हाथ का प्रिंट पड़ गया गाड़ी पे। एक बार पानी पी रहे, जरा क्या बोलते एनर्जी आ रहा, फिर एक 10 मिनट के बाद में सूरज दादा क्या कर रहे, अपन 1 लीटर पानी पी रहे तो उन्होंने 10 लीटर पानी खींच ले रहा अपने दम से, पसीने की तरह से सर पे से पूरा ऐसा निकाल ले रहे। बीच में अपन क्या करें बोल तो, एक मेडिकल में गए, मेडिकल में एसी था, एक 10 मिनट टाइम पास कर लिए, थोड़ा ठंडा ठंडा था। और फिर बाद में एक दुकान में अपने को ग्लूकॉन डी चाहिए था, ग्लूकॉन डी मिल गया भाई, ग्लूकॉन डी पीते कि वाह, अपने को ये धूपों में ग्लूकॉन डी बहुत काम को आता। पी ले के अपन लोग आए देखो ओंडवली केव्स को, क्रेजी है भाई, एक पहाड़ कुछ डायरेक्ट काट के ये लोग बनाए, अंदर जाके दिखाएंगे चलो आपको। 5 बजे तक यहाँ पर पेड़ा है, पेड़ों आया में सो जाएंगे थोड़ी देर, बैठेंगे फिर 5 बजे धूप उतरने के बाद निकलेंगे अपन लोग। ये ओंडवली केव्स के टिकट है देखो 25 रुपीज़, 4 स्टोरी रॉक कट हिंदू टेम्पल्स ओंडवली, ऊपर ही थे देखो ओंडवली केव्स, आपको दिखाया बोल तो किराक है, एक माउंटेन को काट के टेम्पल्स बनाए लोग, मस्त है। जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे, बस सुकून से ठंडा है थोड़ा, पहाड़ी चाहिए। ओंडवली केव्स के बारे में, एन इम्प्रेसिव 4 स्टोरी रॉक कट टेम्पल प्रोबेबली कमेंस्ड इन 6th-7th century। भाई पढ़ लो भैया, ये देखो भाई, ये है ओंडवली केव्स, मस्त है ना, एक पहाड़ को डायरेक्ट काट के ये लोग बनाए से हुई है। हिंदू काटी छुटा नो कटे बैग लेकर पेटे दवाई चटे कितना बैग अपन ना ये पेड़ के नीचे रख देंगे भाई, ये लोग को लेके नहीं घूम सकते। चलो भाई अपन लोग अंदर पूरा जाके
आपको एक्सप्लोर करेंगे, चलो दिखाएंगे। गबिलालो ने कहा बैट्स है, बोलते कि यहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे, यहाँ पर उन लोगों का सामान रखते थे, मतलब मैं भी एक वीडियो में देखूँ, यहाँ पूरे उनके सामान रखते थे, ऋषि मुनि यहाँ पर रखते थे, एक पहाड़ को काट के बनाई से, समझ में आ रहा ना आपको, देखे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे तो फर्स्ट फ्लोर भगवान जी के मूर्ति आए भाई, पंजूते निकाल गए। अरे गणेश महाराज जी, यहाँ पूरे भगवान जी के मूर्ति आए, अंदर क्या है कि ये बंद कर दिए, ये नरसिम्हा स्वामी हिरण्यकश्यप को वध करते वक्त खाए, ये शंकर जी मास्टर श्री शंकर जी ने, अरे यहाँ भी है और फेस खराब हो गया, कार्विंग्स नेक्स्ट लेवल करते थे ब्रो वो टाइम पे, दीवार पे वो भी। अरे ये हाथिया है, क्रेजी नेक्स्ट लेवल है, इसके अंदर मस्त ठंडा है भाई, यहाँ पे रह जाएंगे अपन 5 बजे तक सुकून से। जा रहे थर्ड फ्लोर में, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से ये वाला मस्त है, यहाँ पर हर एक दीवार पे कार्विंग से, यहाँ पर मैं वहाँ वहाँ पर नरसिम्हा स्वामी है, वहाँ पर क्या किए, जय श्री राम। ये शायद अभी बनाए होंगे, पुराने टाइम के नहीं हो सकते, ये अभी हो सकते नहीं तो पुराने टाइम के भी हो सकते, रेनोवेट करेंगे। अरे वो पुराने समय के है, देखो ये देख रहे पुराने टाइम के है जैसा, और हर एक दीवार में कार्विंग्स तो देखो भाई नेक्स्ट लेवल है। यहाँ देखो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पर आए देखो अपन लोग पद्मनाभ स्वामी को देखने को आए यहाँ पर, उस तरफ से रास्ता है दिखा तुम मुझ से, एक बार देखे तो बस देखते रहने का मन कर रहा है को, लेकिन पहले आप लोग ये पूरा दिखा के वहाँ जाएंगे बोल के दिखाएं वो पूरा। ये है देखो भाई पद्मनाभ स्वामी का क्या मस्त है ब्रो, बस एक बार देखे तो देखते रहने का मन हो रहा। विमन नारायण है और उनके नाभि से कमल में से ब्रह्म जी वो टाइम पे मेहनत करते थे, देखो भाई साहब कौन नहीं कर रहे, शेषनाग के ऊपर गरुड़ जी होंगे इनो, ये वो विंग से पहचान रहे, मतलब गरुड़ है सोच रहे अपन, इन्हों ऋषि मुनि है कौन से कि नहीं मालूम, ये तो ब्रह्मा जी है थ्री फेसेस के, और ये नहीं मालूम है अपने को। फोर्थ फ्लोर बंद है, जाके देखेंगे आराम से ऊपर हल्लू से क्या है कि, ओ नो एंट्री बोल के लिखा है भाई, जल्दी निकल जाएंगे, क्या है दिखाएंगे यहाँ पर आपको, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हेम ले दो, यहाँ ऊपर से देखो भाई पूरे केले के पेड़ है यहाँ पर, मस्त है व्यू, चलो नीचे उतरेंगे, कौन तो भी कोई देखने से पहले उतर जाएंगे अपने, अगर आप लोग विजयवाड़ा दुर्गा माता के दर्शन करने आए तो यहाँ ज़रूर आना भाई, उंडावली केव्स बोल के है देखो, बस कितना दूर भी नहीं है, एक 5 किलोमीटर दूर है मंदिर से, आप प्रकाशम बैरेज के ऊपर से आ सकते, प्रकाशम बैरेज का भी फील ले सकते, नारायण के दर्शन भी कर सकते भाई। यहाँ अपर केव्स बोल के है, देख के आएंगे क्या है यहाँ पर, चलो भागते हुए जाएंगे, भागते हुए आएंगे, हतरा ब्रो
वो टाइम पे ये लोग चल चल के करेगी कैसा करेगी, वो टाइम का अच्छा देखो, पहाड़ को काटे सो ये पूरा, ये अब बंदे सो है। मैं बिना जूते आ गया, पैरा दिल रहे अब यहाँ पर कितना दूर रहता कि ये अब, अरे यहाँ कुछ भी नहीं है शायद। अच्छा ये एक बस ये एक केव है यहाँ पे उतना ही। कुछ भी नहीं है बस एक केव है ये। चलो चंदू निकलेंगे बोल रहा, राइट निकलेंगे नेक्स्ट प्लेस को। तो क्या बोलते ये ब्लॉग को अपन लोग यही को एंड करते। अगर आप लोग विजयवाड़ा को आए तो हुंदवली केव्स गूगल मैप्स में सर्च करो, बस 5 किलोमीटर दूर है, मस्ट विजिट प्लेस है, आके देखो ये प्लेस। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और यहाँ का ये व्यू पसंद आया, यहाँ वो हुंदवली केव्स पसंद आया, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चल 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 जल रे पैरा सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।